जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से आप लोगों तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो देखिए, आज हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार दर्शन, और देखिए ये साइकिल हमारे लड्डू बाबू की, साइकिल से हमारे लड्डू बाबू घूमने जा रहे हैं। नहा धो के रेडी हो गए हैं, पूजा भी हो गई है, आप देख सकते हैं, आप लोग भी आरती ले लें। ये देखिए, हमने पूजा का समापन कर दिया है, तो आइए आप लोग भी आरती लीजिए। और देखिए हमारे लड्डू बाबू का आज का श्रृंगार, हल्का फुल्का सा श्रृंगार मैंने किया है अपने लड्डू बाबू को, तैयार किया है। और ये मैंने राजस्थानी पगड़ी ने पहनाई है। तो देखिए और बताइएगा हमारे लड्डू बाबू कैसे लग रहे हैं, और हमारी लाडली भैया को तो कितने भी, मतलब किस तरह से ये खुद को तैयार करा लेते हैं, हमें खुद पता नहीं होता है। हमारा कुछ तैयारी का वो ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं होता कि हम क्या इनका श्रृंगार करेंगे, किस तरह से करेंगे। ये तो अपने आप ही अपनी लीला लाते रहते हैं और ये लोग तैयार होते रहते हैं। तो ये देखिए, आज मैंने सोचा था बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ही तैयार करूंगी। ये हमारी किशोरी का दुपट्टा है, और देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, हल्का फुल्का श्रृंगार करने पे भी कितने क्यूट लग रहे हैं। ये देखिए आप लोग, मन करता है बस इन्हीं को देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं, इनसे नजर निकलती है। ये हमने जल इनका रखा हुआ है, आज मैंने भोग में इनको जो है बादाम दिए हुए हैं, और इसमें अभी मैं तुलसी पत्र और रखूंगी, क्योंकि तुलसी पत्र जो है जल में तो मैं डाल चुकी थी लेकिन इनमें नहीं रखा था, तो इसी में से मैं थोड़ा सा तुलसी पत्र बादाम में भी रख दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है, जल में भी है हमारे तुलसी पत्र, कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए ये हमारे लड्डू बाबू की साइकिल, आज हमारे लड्डू बाबू घूमी घूमी करने जाएंगे साइकिल से। और यहाँ पर ही मैंने लड्डू बाबू का बेड लगाया हुआ है, जहाँ मैं उनको विश्राम कराती हूँ। ये देखिए, ये तो आपने पिछली वीडियो में भी देख रखा होगा हमारे लड्डू बाबू का बेड। ये देखिए, और मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए तोते लगाए हुए हैं, मेरे लड्डू बाबू खुश होते रहे देख के। यहाँ पर मोर भी लगाए हुए हैं, ये देखिए, ताकि मेरे लड्डू बाबू खुश होते रहे देख के। और उनकी कोने में बड़ी वाली बांसुरी भी रखी हुई है, छोटी तो हमेशा मैं उनके पास ही रखती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े वालों की रखी हुई है और ये छोटे वालों की रखी हुई है, जो कि माला के नीचे दब रही है। ये देखिए, ये छोटे वाले लड्डू बाबू, ये क्योंकि मेरे छोटे लड्डू बाबू हाथ में नहीं पकड़ पाते, हाथ में तो मैं कभी कभी उन्हें पकड़ाती हूँ, अक्सर मैं उनके पास में ही बांसुरी रख देती हूँ, जब उनका मन हो उठा के बजा लें, क्योंकि मेरा बच्चा थक जाएगा हाथ में बांसुरी लिए लिए, है ना बाबू, इसीलिए मैं उन्हीं के पास में ही बांसुरी रख देती हूँ, जब उनका मन हो तब बजाएं, एंजॉय करें, खूब खुश रहें, मस्त रहें। उनकी गौ माता भी मैंने यहीं पे पास में बैठाई हुई है, जब चाहें जब उनके साथ खेलें। ये देखिए शालिग्राम जी का भी पूजन हो गया है, तो चलिए देखिए और बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे लड्डू बाबू नटखट कैसे लगे। ये हमारे विष्णु भगवान जी का फोटो है इधर, लक्ष्मी माता का, ये सत्यनारायण भगवान का भी है इसमें फोटो, जिनकी मैं पूजा करती हूँ बृहस्पति को। बृहस्पति को क्या, पूजा तो हर रोज होती है, डेली पूजा तो होती है, लेकिन विशेष मैं बृहस्पतिवार को करती हूँ इनकी पूजा। वैसे डेली पूजा तो रोज हम रूटीन की करते ही हैं। तो चलिए और बताइएगा हमारे लड्डू बाबू कैसे लगे आपको। मैं फिर से एक बार इनके दर्शन आपको करा देती हूँ बिल्कुल पास से। ये देखिए, ये देखिए क्लियर आ रहे हैं एकदम, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखिए, और ये हमारी किशोरी जी, ये देखिए, ये क्यूट लगती है ना, ये बहुत ही प्यारी लगती है, इतनी कैमरे में इतनी प्यारी नहीं लगती है जितनी वैसे रियल में इन्हें देखो, बहुत ही क्यूट लगती है। और ये देखिए हमारे छोटे नटखट महाराज को, इनके कोई कैप फिट नहीं बैठती है, सब रुड़क भी रहती है। ये देखिए, अब हमारे लड्डू बाबू खाएंगे बादाम और पिएंगे जल, दूध वगैरह मैं पिला चुकी हूँ उन्हें,
नाश्ता मैं दे चुकी हूँ, ये मैंने दिन के लिए आज भोग लगाया है। और मैंने सुबह इनको दही भी दी थी, दही के बाद अब ये सूखा भोग है दिन भर के लिए, ताकि आराम से जो है जब इनका मन हो कुछ ना कुछ चीज़ खाने का मन करता है जैसे भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा दिया था मैंने दही के साथ, दही माखन मिश्री का भोग लगाया था, दूध का भोग लगाया था। सबसे पहले दूध देती हूँ, फिर इनको माखन मिश्री और दही ये देती हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू बाबू दही के बहुत शौकीन थे। चलिए अब मिलते हैं हम अगली न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा यूट्यूब परिवार हमेशा खुश रहे, मौज करे, मस्त रहे। चलिए राधे राधे।